हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से, और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए गेमिंग रिव्यू लेकर आया हूं। जी हां, नार्जो का नया फ़ोन आया है N55। देखो यार, दिखने में बहुत बढ़िया। अभी जैसे थोड़ी दिन पहले मैंने C55 के लिए बोला था भैया रियलमी का कि यार फ़ोन दिखने में भी बढ़िया है, तो इन लोगों ने नार्जो सीरीज़ को ही बढ़िया बना दिया। सी सीरीज़ को तो बहुत बढ़िया बना दिया, इसको भी इन्होंने बढ़िया बना दिया है। दिखने में देखो आपको बढ़िया लगेगा, ये देखो नार्जो डिज़ाइन बाय रियलमी लिखा हुआ है। ये फ़ोन मुझे काफ़ी सही लगा, ठीक है। ऐसे ये डुअल डिज़ाइन में मिल जाता है, पर मैं आपको इसका जो गेमिंग रिव्यू है वो दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से ज़रा जो टेम्परेचर है वो बता दूँ। तो आप ये देख लो भैया, आपको कुछ 32 के आसपास का भैया जो टेम्परेचर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं थोड़ी गेमिंग वेमिंग कर रहा था, इस वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन आप देखो 32 आगे से, सॉरी पीछे से है, और आगे से भी हम लोग देखेंगे तो जी हाँ सेम 32 आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जो बैटरी लेवल है आप देख लो भैया, यहाँ पर 65 है, और अब गेम करते हैं शुरू। हाँ तो यार, आप अगर देखोगे तो जो अपना गेम है वो तो शुरू हो गया है। जो लोगों का सबसे पहला सवाल होता है, हाँ भैया ग्राफिक्स का क्या हिसाब किताब है वो तो बता दे। सो ये देखो भैया, 40 FPS जो है आपको इसमें हाईएस्ट देखने को मिलेगा। स्मूथ पे अल्ट्रा है, बैलेंस पे आप जाओगे अल्ट्रा है, HD पे हाई है, और HDR अवेलेबल नहीं है। सो हाईएस्ट ग्राफिक्स पे 30 FPS, और स्मूथ ग्राफिक्स पे आपको जो है 40 FPS भी है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन जो लोग कहते हैं भैया बूट कैम्प में ही असली सब कुछ यू नो पता लगता है, तो आओ भैया चलते हैं अपने बूट कैम्प की तरफ, और यहाँ पर आपको पूरे टाइम ये FPS दिखता रहेगा। हाँ तो दोस्तों यार, अपन लोग देखो बूट कैम्प पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर ही मैक्सिमम लोग बोलते हैं भैया हमको तो बूट कैम्प पे कूद के बताओ, असलियत तो यहीं मालूम पड़ती है। तो आओ चलते हैं बूट कैम्प पे, और देखो यहाँ पर ना हम लोग अपना जो फ्रेम ड्रॉप टेस्ट है वो भी करते हैं कि जंपिंग के दौरान हम लोग सबसे लोएस्ट जो है वो फ्रेम वगैरह कितना देखने को मिलता है, हम लोग ये भी पता करते हैं। तो देखो अभी 40 FPS तुम्हें हाईएस्ट इसमें मिल रहा है, जो मैं बता चुका हूँ। अभी ये 32, 37, तो अभी तक हमें जो लोएस्ट देखने को मिला है वो मिला है 30। ओके, अभी देखो 29 भी आया है, और अभी हम लोग कंटिन्यू। ओके, हमसे पहले एक और आदमी पहुंच गया है क्या? हाँ जी पहुंच गया यार ये तो जाते जाएंगे, और आप देखो तो देखो हमको जो सबसे लोएस्ट अगर भी पूछेगा, तो आई थिंक जब हम लोग कूद रहे थे हवा में थे, तब जो हमें 24 के आसपास देखने को मिला था वो था। और उसके बाद देखो यार, जैसे ही हम लोग नीचे आए, इसने वापस से भैया अपना जो 40 FPS के आसपास आ रहा था वापस से इसने कवर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अब बोलोगे आप भैया कि ये इससे आपका कहने का तात्पर्य क्या है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखो यार, हम बस ये चेक करते हैं कि बहुत बार ही ऐसा होता है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो फ्रेम ड्रॉप, जब भी हम जंप मारते हैं फ्रेम ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आप बोलोगे तो इसका कैसा होता है, यार देखो इसमें हुआ लेकिन ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम फ़ोन है जो यहाँ पर इन्हें स्टेबल रख पाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा इसका भी सही था, ठीक है ना। यार भैया, अब थोड़ा हम लोग यू नो सामान वामान बटोल लेते हैं, और थोड़ा एक दूसरे लोगों को मार देते हैं, फिर अपन लोग बात करते हैं, या फिर इवन चलो स्पेसिफिकेशंस की बात तो हम लोग अभी कर लेते हैं। तो यार मैं बता दूं, इसमें आपको 6.72 इंच का 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है। 618 nits ऑफ इसकी जो है हाईएस्ट आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। MediaTek का हीलियो G88 चिपसेट है, जी हाँ 4G चिपसेट है, ठीक है ना। सो ऐसी बात नहीं कि प्रोसेसर अपने लिए नया है, हमने पहले भी इसके ऊपर काफ़ी बार गेमिंग करी है ना। तो ये वाली बात है कि अगर कोई लोग पूछें कि हाँ भैया प्रोसेसर है कैसा ये बता दो, तो मैं वही बोलूँगा कि देखो प्रोसेसर अच्छा है, और इस फ़ोन में आपको ये प्रोसेसर कैसा मिलेगा इसके ऊपर भैया अभी हम लोग पूरी डिटेल में तो बात करने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी आप देखो अपने ऊपर ना गोलियाँ वोलियाँ चल रही है थोड़ी, तो पहले थोड़ा छुप के अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद यार इसका जो वेट है वो है 189.5 ग्राम, 64+2 MP का कैमरा है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है, स्पंच होल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यार देखो, और 5000 mAh की बैटरी जो कि 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ है। तो आई गेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, अभी अल्ट्रा वॉल्यूम मोड के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। हाँ तो दोस्तों, हम लोग थोड़ा ग्राफिक्स क्वालिटी के ऊपर ही भैया बात बात कर ली जाए कि क्या हिसाब किताब है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को देखो ये बोलना चाहूँगा कि अपने सेगमेंट के हिसाब से ये इसका जो काम है वो बढ़िया कर रहा है। आप देख लो यार, चाहे कोई भी शेप ले लो, ठीक है, बिल्डिंग के आइकन ले लो, पेड़ पौधे ले लो, स्मूथ के हिसाब से जो इसका यू नो आपको ग्राफिक्स क्वालिटी या ग्राफिक्स डिटेल्स है वो आपको जो देखने को मिल रही है वो अच्छी है। तो जिन लोगों का सवाल है कि क्या भैया जो अपना नार्जो का N55 है इसमें जो कोई है ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छी है, तो हम बोलेंगे जी हाँ साइवन के हिसाब से ये अपना काम कर रहा है ऐसा, ठीक है ना। लेकिन ग्राफिक्स के ऊपर अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि जी हाँ ये भी अच्छे हैं, लेकिन और थोड़े बेटर होते तो मज़ा आ जाता।
तो दोस्तों यार देखो, लगे हाथ जो इसका ये अल्ट्रा वॉल्यूम मोड है इसकी भी बात कर ही लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि भैया आपको आजकल ये देता है जिसमें थोड़ा और जो आवाज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसी वाली बात है। तो इट्स अ गुड फीचर टू हैव। साथ में जो एक चीज़ है मुझे भी काफ़ी टाइम से अच्छी लगने लग गई है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो है कि आप ये देखो, आप यहाँ से ऐसे पुल ऑफ करोगे, ठीक है ना, ये देखो, और वो जो ये होता है अपना, इसको करना था, ठीक है ना, ये एक बार शुरू से बता। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक ये साइड बार दिखता है, इसको आपने पुल ऑफ किया और यहाँ पर आप देखो सिस्टम स्टेटस पे मैं गया तो बंद हो गया और सिस्टम स्टेटस मैंने ऑन किया तो मेरे जो फ्रेम बेसिकली मेरा FPS कितना मुझे मिल रहा है ड्यूरिंग माई गेम प्ले, GPU का कितना यूज़ रहा है, CPU का कितना यूज़ रहा है। और आप अगर देखोगे तो भैया GPU और CPU दोनों ही अभी काफ़ी हाई यूज़ हो रहे थे। तो यार दोस्तों देखो, यहाँ तो अपना थोड़ा कांड हो गया लेकिन लगभग हमको गेम खेलते हुए ना आधे घंटा या 35 मिनट्स के आसपास हो गया है। तो मैं आपको ना फटाफट से सबसे पहले जो अपना क्या कहते हैं टेम्परेचर बता दूँ। तो आप अगर देखोगे तो भैया टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, 10 डिग्री के आसपास काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन पहले आप टेम्परेचर देख लो। 42 आपको पीछे से देखने को मिलेगा और आगे से आप देखोगे तो आपको कुछ वही 42.5 जो है, या इवन देखो बढ़ भी रहा है तो एक बार थोड़ा वो स्टेबल करके इसको चेक कर ले हम लोग। तो आप देखोगे जी हाँ, गोइंग अप 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 और ठीक है। तो यार देखो वही 42 आपको जो है देखने को मिलेगा, जब अपन लोगों ने खेलना शुरू किया था तब 31-32 के आसपास था। तो देखो लगभग 35 मिनट की गेमिंग के आसपास, क्योंकि 20 मिनट से मुझे थोड़ा फ़ोन ना गर्म होना फील होना शुरू हुआ था, ठीक है। सो उसके बाद मतलब ये ले लो कि ये कुछ 35 मिनट्स में चला गया, 10 डिग्री बढ़ गया है। वैसे ही बैटरी लेवल पे आ जाए देखो, ब्राइटनेस जो थी वो पूरी एकदम फुल थी, ठीक है, उसके हिसाब से आ गया है 54 और जब हमने खेलना शुरू किया तो था 66। तो यार देखो चलो, बैटरी का तो एक बार मैं समझ सकता हूँ, ब्राइटनेस अपने फुल करके खेला कंटिन्यूसली गेमिंग कर रहे थे तो मतलब थोड़ा ड्रेन, लेकिन 33 वॉट फास्ट चल गई, 5000 mAh की बैटरी तो आपका काम हो जाएगा। तो मुझसे अगर पूछेगा क्या यार फ़ोन गर्म हो रहा है, तो मैं बोलूँगा हाँ हो रहा है। और इवन जैसे गर्मी का मौसम भी अभी आने वाला है तो हो सकता है कि ये टेम्परेचर ना आपको थोड़ा मतलब जैसे एंड में अगर आप देखो तो हमें थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप्स देख, मैं लैग नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को बोला, वो भी हमें देखने को मिले थे जब हमारा गेम खत्म हुआ है तब भी अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल कोई मुझसे पूछता है भैया नार्जो N55 जो है इसे मैं लूँ या नहीं लूँ, तो मैं आपको ये बोलूँगा यार देखो, एक काफ़ी सही दिखने वाला फ़ोन, रिफ्रेशिंग डिज़ाइन, ये जो नया फॉन्ट आया है ये है ना, और मैं आपको इसका जो बाकी के स्पेसिफिकेशन से वो स्टार्टिंग में बता चुका था, हीलियो G88 चिपसेट है ना, 4GB 64 और 6GB 128 में आपको ये मिलता है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको इसके यहाँ पर जाके पूरे जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि जिस गेम हमने जिस यूनिट में गेम खेला है उसका क्या हिसाब किताब है मैं आपको वही बता देता हूँ, फिर पूरा डिटेल में बताते हैं। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हो हम लोग 6GB वाले पे हमने खेला है, ठीक है, और ये देखो 6GB + 4GB तो आपके पास ये एक्सपैंड बाय करने का भी एक जो ऑप्शन है, ये आपके पास यहाँ पर भी रैम एक्सपांशन का ऑप्शन होता ही है, ठीक है ना। सो ये मैंने आपको देखो सब कुछ बता दिया है और मेरा क्या सोचना है कि यार डेफिनेटली अगर आप एक बोलते ना कि भैया वंस इन अ वाइल गेम खेलना है कि हाँ भाई ठीक है यार लंबा गेमिंग नहीं करनी है, 45 मिनट्स टाइप तो नहीं लेकिन 30-35 मिनट्स तक खेलनी है, तो यस आप इसको अपनी कंसिडर लिस्ट में रख सकते हो। लेकिन नो डाउट नार्जो सीरीज का ये वन ऑफ द गुड लुकिंग फोन मैं इसको बोलना चाहूँगा N55 को। तो यार ये था मेरा सोचना इस फोन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका कोई और वीडियो देखना हो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।